Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Let's Learn Together. Today in this video, we are going to learn how to set images and videos in HTML. इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम images और वीडियो को सेट कर सकते हैं अपने HTML document में. So let's start our video and see how we can set the images and videos in HTML. Let's see one by one. First, how we can set the image? कैसे हम लोग इमेज को सेट कर सकते हैं. वी कैन सेट द इमेज बाय यूजिंग द आईएमजी टैग. किस टैग का यूज करके हम इमेज को सेट कर सकते हैं? आईएमजी टैग का यूज करके हम इमेज को सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आईएमजी टैग कैसा टैग है? इट इज एन एम्प्टी टैग. ये कैसा टैग है? तो ये एक एम्प्टी टैग है. ओके, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होगा, इसका सिर्फ एक स्टार्टिंग टैग होगा. ओके, सो व्हाट इज द सिंटैक्स थ्रू विच वी कैन इंसर्ट द इमेज? किस सिंटैक्स का यूज करके हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं? वी कैन यूज आईएमजी हियर. वी कैन यूज आईएमजी एसआरसी इक्वल टू इमेज यूआरएल और लोकेशन ऑफ दैट इमेज. वी कैन डायरेक्टली अपलोड फ्रॉम द वेबसाइट आल्सो और वी कैन यूज द सेव्ड इमेज आल्सो. मींस कि यहां पे हम दो इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट से उसका यूआरएल यहां पे इनपुट कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो इमेज हमारे में ऑलरेडी सेव है उसके लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. तो क्या सिंटैक्स होगा जिसके थ्रू हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं? दिस इज द सिंटैक्स इमेज, देन वी विल राइट एसआरसी एंड देन वी विल गिव इक्वल टू एंड इन आफ्टर इक्वल टू वी विल राइट द लोकेशन ऑफ द इमेज. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इमेज लोकेशन ऑफ द इमेज. नाउ हियर आईएमजी एसआरसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? हियर आईएमजी एसआरसी स्टैंड फॉर इमेज सोर्स. इमेज source. So in this way we can insert a particular image in the website. In this way we can insert a particular image in our HTML document. So kis tag ka use karke hum image ko insert kar sakte hain? We can use the img tag. Okay, we can use the img tag to insert a particular tag, particular image. Okay, so is tarike se hum img tag ka use kar sakte hain. Img tag ke sath kuch attributes ka bhi use hota hai. So we will see what are the attributes that we can use with the img tag. लाइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से attribute का हम img tag के साथ use कर सकते हैं. तो these are the attributes which we can use with the img tag. सबसे पहले आता है alt attribute. This attribute is a mandatory attribute. ये attribute कैसा है? ये mandatory है. What is the use of this attribute? It specify an alternate text for any image if the image cannot be displayed. ये क्या करता है? एक आपको अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, वेब पेज पे एक अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है. कब ये प्रोवाइड करता है? जब आपका इमेज किसी कारण वो करप्ट हो जाता है या स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कर पाता है. एएलटी एट्रीब्यूट का इसीलिए यूज होता है कि इन केस अगर आपका इमेज करप्ट कर गया या अपलोड नहीं हो पाया वेब पेज पर, तब वहां पे क्या हो, वहां पे वो टेक्स्ट लिख के आए कि ये इमेज कैसा था, ये किस चीज का इमेज था. ओके, इट इज एन अल्टरनेट ऑप्शन फॉर द इमेज. ओके, सो उसके बाद आता है हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज किस लिए होता है? इमेज के साइज को चेंज करने के लिए, इमेज के साइज को सेट करने के लिए आप हाइट और एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. सो हाइट एंड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज टू सेट द साइज ऑफ एन इमेज. ओके, सो उसके बाद आता है बॉर्डर एट्रीब्यूट. बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किस लिए होता है? बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज उसके उसके बॉर्डर को सेट करने के लिए होता है. अगर कोई बॉर्डर को आप इमेज के बॉर्डर मतलब कि आउटलाइन को आप सेट करना चाहते हैं, बॉर्डर पे आप एक आउटलाइन देना चाहते हैं, तब वहां पे आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. ओके, तो और बॉर्डर एट्रीब्यूट का जो थिकनेस होता है बाई डिफॉल्ट दैट इज जीरो. आप बॉर्डर एट्रीब्यूट के बाद विल राइट बॉर्डर इक्वल टू 1, 2, 3, 4. हियर 1, 2, 3, 4 विल डिफाइन व्हाट? हियर 1, 2, 3, 4 विल डिफाइन द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्या करेगा? वो बॉर्डर के थिकनेस को डिफाइन करेगा. ठीक है, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट से हम बॉर्डर को इंसर्ट कर सकते हैं इमेज में. व्हेन वी राइट द वैल्यू ऑफ द बॉर्डर देन दैट वैल्यू विल डिफाइन द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर. ओके, सो उसके बाद आता है अलाइन एट्रीब्यूट. तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज किस लिए होता है? ओके, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज इसलिए होता है कि हम अपने इमेज के पोजीशन को सेट कर सके. सो वी कैन सेट द पोजीशन ऑफ द इमेज. अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द पोजीशन ऑफ द इमेज. ओके, कि वो इमेज का पोजीशन कहाँ पर होगा? वो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा या
वो सेंटर में हुआ, उसको डिफाइन करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. ओके, सो नाउ लेट नाउ वी विल सी वन बाय वन ईच एट्रीब्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इमेज टैग, देन आफ्टर विथ इमेज टैग वी विल सी द यूज ऑफ ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट. ओके, नाउ लेट सी प्रैक्टिकली हाउ वी कैन इंसर्ट द इमेज. ओके, आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली प्रोग्राम के थ्रू ये कैसे हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल राइट आईएमजी एंड देन आफ्टर वी विल राइट एसआरसी इक्वल टू हियर वी विल गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज. दिस इज द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड देन वी विल क्लोज दैट टैग. ओके, आफ्टर गिविंग दिस वी कैन सेव इट. इसको सेव कर लेने के बाद आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए, वहां पे जिस फाइल नाम से आपने सेव कर रखा होगा उस फाइल पे डबल क्लिक कीजिए. Now you will see that the image got insert. तो इस तरीके से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं. आइए अब देखते हैं कि इमेज एट्रीब्यूट के साथ, सॉरी इमेज टैग के साथ हम कौन कौन से एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा था alt एट्रीब्यूट, alt एट्रीब्यूट. सो वी विल यूज alt इक्वल टू हियर वी विल गिव द नेम ऑफ दैट पिक्चर लाइक गर्ल विथ कैप. ओके, सो देन आफ्टर वी विल क्लोज इट. इसको अब आप सेव करो. ठीक है, सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे भी आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पर इमेज मिल रहा है. तो alt एट्रीब्यूट का यूज कब होता है, जब इमेज करप्ट कर जाता है. करप्ट कब करेगा, जब लोकेशन उसका सही ना हो या फिर हमारा नेट सही ना हो. इन दैट केस अगर वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है तो नेट के कारण, नेटवर्क के कारण वो क्या होता है कि करप्ट कर जाता है कभी कभी. अगर आपको देखना है इमेज करप्टेड इमेज पे क्या फिर आता है लिख करके, आइए यहाँ पे लोकेशन को गलत कर देते हैं, उसके बाद इसको सेव करते हैं. सेव करने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करो. देखो अब आप देखोगे क्या हुआ कि वो इमेज गायब हो गया, वो इमेज क्या हो गया, करप्ट हो गया. लुक हियर द इमेज गॉट करप्ट. यहाँ पे इमेज क्या हो गया, करप्ट हो गया. और उसके बाद उसके जगह पर वो क्या आ रहा है, गर्ल विथ कैप, द टेक्स्ट विच वी हैव यूज इन द एएलटी टैग, एएलटी एट्रीब्यूट. जिस जो टेक्स्ट हमने एएलटी एट्रीब्यूट के साथ यूज किया था वो अब यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है. ओके, तो alt एट्रीब्यूट का यूज इस तरीके से होता है. ओके, तो इस तरीके से हम alt एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. उसके बाद आता है हाइट और विथ. हम इमेज के हाइट और विथ को कैसे सेट कर सकते हैं, उससे पहले हम इसको करेक्ट करके सेव कर लेते हैं. देन रिफ्रेश इट. नाउ द इमेज इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन. अब ये इमेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है. नाउ हियर वी विल यूज द हाइट एंड विथ. How we can set the height and width? Now here, first of all, we will height equal to, okay, we will use here like a 100 pixel, okay. So we will use here 100 pixel. Then width equal to 500 pixel, okay. After that, what we will do? We will save it, okay. After saving, just refresh it. Now look, the height of the image gets changed. Okay, इस तरीके से height और width क्या हो गया, change हो गया. तो इसके थोड़ा आप height हम लोग और बढ़ा देते हैं. Now save it. अब ये square size में आ जाएगा. Now look, इसका height और width change हो गया. तो इस तरीके से height and width attribute का use करके हम image के size को change कर सकते हैं by using the attribute height and width. Okay, then after let's see how we can use the another attribute, that is align attribute. How we can use the align attribute. First we will write align and then equal to. Now यहाँ पे align आप जब देख रहे हो तो ये image by default किस तरफ है, left side में है. By default location की alignment है, left side है. अब इसको हम change करते हैं किस तरफ, right side. Okay, and then refresh it. इसको अब refresh करने के बाद अब इसको आप refresh करो. सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करो. तो यहाँ पर आप देखोगे अब इमेज का पोजीशन चेंज हो गया. पहले इमेज कहाँ था, लेफ्ट साइड में था. नाउ द इमेज इज इन द राइट साइड. अगर सो इस तरीके से हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके इमेज के पोजीशन को सेट कर सकते हैं. वी कैन यूज राइट, लेफ्ट एंड सेंटर. अगर अब हमें बॉर्डर का यूज करना होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का अब हम यूज कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं. तो फॉर दैट वी विल राइट बॉर्डर, देन वी विल गिव द थिकनेस ऑफ द वैल्यू. Then we will give the value. This value will define what? This value will define the thickness of the border. If I write 5, okay. If I write like this 5, then it will define the thickness of the border. Now refresh it. Now look.
here the border comes with a black color. This black color comes with a value 5. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉर्डर यहाँ पे इस इमेज के चारों तरफ से बन के आ गया. तो ये बॉर्डर का यूज करके हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करके हम इमेज के बॉर्डर को सेट कर सकते हैं और उसमें कोई वैल्यू देकर के उसके थिकनेस को हम चेंज कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कितना वैल्यू यूज किया, 5. अगर यहाँ पे हम लोग 9 वैल्यू देते हैं, देन वी विल सी कि ये इसका जो इसका थिकनेस है वो. सो इस तरीके से हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करके हम बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं और बॉर्डर के बाद उसके थिकनेस को भी डिफाइन कर सकते हैं बाय गिविंग सम वैल्यूज. ओके, सो आफ्टर दैट वी विल लुक, सो आफ्टर दिस वी विल लुक हाउ वी कैन. सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इमेज टैग का यूज कैसे करते हैं और उनके साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं. सो आइए अब देखते हैं कि हम वीडियो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में और उस वीडियो टैग के साथ हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं. ओके, सो हाउ वी कैन इंसर्ट, बाय यूजिंग विच टैग वी कैन इंसर्ट द वीडियो, बाय यूजिंग द वीडियो टैग. वीडियो टैग का यूज करके हम वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, दिस वीडियो टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट द वीडियो इन द HTML डॉक्यूमेंट. हाउ वी विल राइट दिस, वी विल राइट वीडियो, देन वी विल राइट कंट्रोल. ओके, आफ्टर दिस वी विल चेंज द लाइन एंड वी विल राइट सोर्स SRC. ओके, देन वी विल गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज. दिस इज द सिंटैक्स फॉर राइटिंग द फॉर इंसर्टिंग द वीडियो. ओके, दिस इज द सिंटैक्स फॉर इंसर्टिंग द वीडियो. इस सिंटैक्स का यूज करके हम वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक पहला जो टैग यूज हो रहा है दैट टैग इज नोन एज वीडियो टैग. देन आफ्टर वी विल यूज द कंट्रोल, मींस इट विल प्रोवाइड द कंट्रोल लाइक प्ले पॉज एंड वॉल्यूम. ओके, दिस एट्रीब्यूट विल प्रोवाइड व्हाट, दिस एट्रीब्यूट विल प्रोवाइड द कंट्रोल्स टू कंट्रोल द वीडियो. ओके, टू कंट्रोल द वीडियो लाइक प्ले पॉज एंड वॉल्यूम. दिस कंट्रोल्स विल बी गिवन बाय विच टैग. दिस कंट्रोल कैन बी इंसर्टेड बाय यूजिंग कंट्रोल टैग. ओके, इस कंट्रोल टैग का यूज करके ये सारे प्ले पॉज और वॉल्यूम का कंट्रोल हम अपने वीडियो में प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, सो देन आफ्टर वी विल यूज द सोर्स SRC देन इक्वल टू लोकेशन ऑफ द इमेज. उसके बाद हम लोकेशन ऑफ द इमेज डाल. कंट्रोल एट्रीब्यूट के बाद हम हाइट और विथ एट्रीब्यूट का भी यूज करके हम अपने वीडियो के साइज को चेंज कर सकते हैं. जिस तरीके से हम इमेज के साइज को चेंज कर रहे थे, इन द सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ द वीडियो. ओके, बाय यूजिंग विच एट्रीब्यूट, बाय यूजिंग द हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट. देन आफ्टर वी कैन यूज द टाइप एट्रीब्यूट. अब ये टाइप एट्रीब्यूट का क्यों यूज होता है, क्योंकि दिस टाइप एट्रीब्यूट विल डिफाइन द टाइप ऑफ द वीडियो. ओके, सो व्हाट इट विल डिफाइन, इट विल डिफाइन द टाइप ऑफ द वीडियो. ओके, कि ये किस तरीके का वीडियो है. तो वी विल राइट लाइक दिस, वी विल राइट टाइप, देन आफ्टर वी विल गिव इक्वल टू एंड देन वी विल राइट वीडियो स्लैश ओके MP4. दिस थिंग वी विल राइट इन द टाइप एट्रीब्यूट. सो आइए देखते हैं कि कैसे हम वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू. ओके, नाउ लेट्स लुक. सो सबसे पहले हम लिखेंगे वीडियो. ओके, देन आफ्टर वी विल यूज कंट्रोल. दिस कंट्रोल विल प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ प्ले पॉज एंड वॉल्यूम. ओके, देन आफ्टर वी विल राइट सोर्स. ओके, एंड देन आफ्टर SRC, देन गिव इक्वल टू एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देन वी विल राइट द लोकेशन ऑफ द वीडियो. ओके, उस वीडियो के लोकेशन को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. इस तरीके से हमने वीडियो के लोकेशन को इंसर्ट किया एंड देन वी विल क्लोज इट. उसके बाद एक एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे, वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा, वी विल यूज द टाइप एट्रीब्यूट. ओके, इस टाइप एट्रीब्यूट में क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट वीडियो, देन आफ्टर वी विल राइट लाइक दिस वीडियो, देन आफ्टर वी विल गिव MP4. ओके, एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन क्लोज इट. सो वीडियो टैग कैसा है, तो वीडियो टैग एक कंटेनर टैग है, तो इसका ओपनिंग है तो इसका एक क्लोजिंग भी होगा. नाउ वी विल क्लोज द वीडियो. ओके, देन सेव इट. नाउ आफ्टर सेविंग जस्ट रिफ्रेश योर ब्राउजर. नाउ यू विल सी दैट अ वीडियो इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन. ओके, अब आप देखोगे कि एक वीडियो क्या आ गया, स्क्रीन पे अवेलेबल हो गया. ओके, सो आप इस वीडियो को प्ले भी कर सकते हो लाइक यूजिंग द प्ले बटन. ओके, यू कैन एडजस्ट द वॉल्यूम. ओके, यू कैन म्यूट इट फ्रॉम हियर, यू कैन एडजस्ट द वॉल्यूम. ओके, और यू कैन
make it as a full screen. Now as we use it, as we click here, it will give you the full screen. Okay, but these controls are available by using the control attribute. Okay, आइए देखते हैं कि अब हम अपने वीडियो के हाइट और विड्थ मींस कि अपने वीडियो के साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. आइए लेट्स सी द यूज ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हाइट इक्वल टू, हियर वी विल यूज 50%, देन वी विल राइट विड्थ इक्वल टू 50%. ओके, देन आफ्टर सेव इट. ओके, अब ये आपका साइज है वीडियो का. नाउ एज वी रिफ्रेश इट, नाउ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द वीडियो चेंजेस. ओके, इस तरीके से हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके हम उसके साइज को चेंज कर सकते हैं. सो इस तरीके से हम वीडियो टैग का यूज करके हम वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं और बहुत और डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज करके हम उस वीडियो को और मॉडिफाई कर सकते हैं. Okay, so these are the tags or these are the attributes which we can use while inserting the video. Okay, that's all for this video. Agar aapko ye video acha laga ho, to please like aur subscribe karna na bhule. Thank you.